देखिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ई कैट के, और एक स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे मेरी बुक के भी, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं मेरी जो नर्स की एनईडी के बुक के क्वेश्चन हैं, बुक्स तो अवेलेबल है, क्वेश्चन जो सॉल्व ना हो मुझे भेज दिया करें। चार व्हाइट बॉल है, तीन ब्लू बॉल है, पांच ब्लैक बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसकी ब्लू और ब्लैक की। प्रोबेबिलिटी की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ब्लू बॉल कितनी है, तीन, ब्लैक कितनी है, पांच। प्रोबेबिलिटी याद रखें हमेशा होती है सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। तो यहाँ हमारे पास ब्लू और ब्लैक का हम सम ले लेंगे और नीचे लेंगे टोटल बॉल का सम। टोटल बॉल में थ्री प्लस फाइव प्लस फोर यानी चार वाइट भी शामिल कर लेंगे, तो एट अपॉन ट्वेल्व टू बाई थ्री। ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी का आंसर वन से लेस आना चाहिए। एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि सर्कमफेरेंस 25 ए दिया है, एरिया आपको दिया है पाई के बराबर। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 बाय r होता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई अगर पाई r स्क्वायर के बराबर है तो भाई r स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका मतलब r बराबर 1 के हो जाएगा। यहां सर्कमफेरेंस में देखिए 2 बाय r पाई यहां से कटेगा, 2 दोनों तरफ से कटेगा। r चूंकि 1 के बराबर है, ये r = 10 a आ रहा है और r फुट 1 के बराबर है तो 1 = 10 a, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1 / 10। Most important question, बहुत बार repeat हुआ है। फिर एक equation दी है 2x square minus mx plus 3 equal to 0, और कह रहे हैं m की value निकालें जब एक root दूसरे root की क्या है, twice। क्या है भाई, twice। alpha अगर एक root है तो beta क्या होगी, 2 alpha। sum of the root का formula हमें अच्छी तरह पता है, alpha plus beta minus b upon a। minus formula का b भी minus m के बराबर है, a 2 के बराबर है। अल्फा प्लस 2 अल्फा तो यही तो होता है, बीटा की जगह हमने 2 अल्फा लिखा, 3 अल्फा बराबर हो गया m / 2 के। अब इस इक्वेशन को हम ये भी कर सकते हैं, 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें तो अल्फा बराबर हो जाएगा m / 6 के। अब दूसरी सिचुएशन को यूज करें कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फा बीटा वो c / a होता है। प्रोडक्ट यहां c 3 a, a 2 a, 3 / 2 हो जाएगा अल्फा * अल्फा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब बराबर है 3 / 2 के। अल्फा की ये वैल्यू m / 6 यहां पुट कर दीजिएगा, इससे आपके पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं आप मुझे भेज सकते हैं, उनका सलूशन मैं आपको दे दूंगा। थैंक्स अ लॉट।